हर साल की तरह शिव शंकर महाराज त्रैलोकी के मालिक महाशिवरात्रि का दिहाड़ा मनाते हुए ये प्राचीन पावन पवित्र स्थान संत महापुरुषों के चरण छोह प्राप्त है, जिथे श्री संत परशोत्तमपुरी जी, श्री संत अयोध्यागिरि जी, श्री संत ब्रह्मानंद जी, श्री संत योगी बाबा गुरु योगी बाबा बूटा नाथ महाराज जी वर्तमान समय में श्री संत योगी बाबा सेवक नाथ जी पूर्ण संत स्वज दे मुख मेहमान श्री संत योगी महाराज गिरधारी नाथ जी भगवान वाल्मीकि ज्ञान आश्रम तो पहुंचे ने सात संगत जी और भी संत मंडली पहुंची है गुरु प्यारे श्री योगी संत बाबा निर्मल नाथ जी करतारपुर मलिया भीखा नंगल वाले वख वख इलाकों तो संत महापुरश पहुंचे ने गुरु प्यारे महाशिवरात्रि का दिहाड़ा परसों रोज तो लेकर के सतगुरां दे पावन स्वरूप जुगो जुग अटल श्री आदि रामायण महारामायण जी दे अखंड जाप किए गए संपूर्ण भोग पाए गए अरदास बेनती हुई उपरंत गुरमर्यादा अनुसार जो प्राचीन समय तो हवन की समगरी जो संत महापुरशां ने एकत्र करके संत महापुरशां नूं बुला के पंडित जी आए ने सो हवन जग विच आपां अज शामिल होए गुरु प्यारिओ हाजरियां लवाईआं आरतियां होईआं महाराज जी दे गुणगान गाए गए गुरु प्यारिओ अपनी श्रद्धा पूर्वक शरदा ने फुल बहुतियां पाइया ने सात संगत जी जिन्हिया भी संगत अज जो भी गुरु प्यारे हो संगत पहुंचिया ने गुरु महाराज जी कदम कदम लेखे लाओ मनोकामना पूर्ण हो दुखा की समाप्ति सुखा का प्रवेश होवे घर में सुख शांति कारोबारी विच वाधा इज्जत मान सलोक बख्शिश होवे बच्चों विद्या का दान माता पिता के आज्ञाकारी होण यह अज आप मन ही मन अंदर गुरु प्यारियो अरदास करनी है तो जीवन सफल उदो ही होंदा गुरु प्यारियो जदों जीवन में पूर्ण संत मिल जाए यही विश्वामित्र जी यही रामचंद्र जी जिन्हें भी संत महापुरश ने उन्होंने जदों उन्होंने जेडे पूजनीक होंगे ने वो मिलते ने ता ही जीवन सफल होता। जिस वेले रामचंद्र जी अगस्त मुनि के पावन चरणों में गए तो वह अंतर जामी संसार संगत जी उन्होंने सारा हवाला दसिया कि अगों कुछ दुखा की घड़ी आने वाली है तुहानू इत्थों चाले पाउणे पैणे ने क्योंकि संत महापुरशां नूं जो दसण की लोड़ नहीं इह रामायण की कथा गुरु प्यारे सो अजर अमर त्रैकालदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी जिन्होंने ड्यूटियां लाईआं ब्रह्मा विष्णु शिव महेश ब्रह्मा उस्तपति करते ने ड्यूटी लाई गई विष्णु जी जदों भगतां ते धरती ते पापां दा भार वध जांदा
अवतार धारण करके आते ने संत रूप में शिव महाराज जी वो मृत्यु करते ने अकाल स्वरूप धारते ने गुरु प्यारे शिव भोलेनाथ महाराज जी अकाल स्वरूप होंगे ने गुरु प्यारे तू है एक तेरे रूप अनेक कई बार हो एक से अनेक देखण विच गुरु प्यारे ये अलग अलग ने पर एको जोत है एको शक्ति है गुरु प्यारे आओ शब्द पढ़ते हैं कीर्तन के नाल जुड़ने गुरु प्यारे मोरा जीवन सफला हो गया जब मिले संत मोहन आओ गुरु प्यारे हाजरियां वाइयो प्यार दा सबूत दिओ कीर्तन रस बन जावे आप मन नूं एकागर करिए आओ गुरु महाराज जी का पावन जकारा उच्चारण करिए जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय साहिब श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञान नाथ महाराज की जय शिव शंकर महाराज की श्री योगी गुरु बाबा बोलता नाथ महाराज की जय सवाल सात सिंह की हाजरी लवाइए मोरा जीवन सफला हो गया जब मिले संत मोहिया जो बोले सुन रहे सतगुरु वाल्मीकि महाराज की जय तन तन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु ज्ञान नाथ जी महाराज की जय वाहक्षर का वास है लामे लोक परलोक मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष लेकर मन के चारिजे प्रभु दागा ध्यान लगाए सुरत शब्द को मेल कर प्रभु जी तुम्हारा दर्शन पाए प्रभु जी तुम्हारा दर्शन पाए मोरा जीवन सफला हो गया जब मिले संत मोहयान मोरा जीवन सफला हो गया जब मिले संत मोहयान मेरा जीवन सफल हो गया जब मिले संत मोहयान मोक्ष मुक्ति दे रहे मोक्ष मुक्ति जीवन सफला हो गया जब मिले संत मोहयान
मेरा जीवन सफला हो गया जब मेरे संत मुहैया। मुक्ति दे रहे
गुरबाणी महाराज जी कृपा करते हैं। शिव शंकर महाराज उन्होंने भी आत्म ज्ञान गुरु महाराज जी अर्पण करते हैं। गुरु प्यार संत सज्जन प्रवचना राजी समझ आ गया। जिनी भी कृपा है गुरु प्यारे जीवन सफल ता ही होगा जो संतां दे आज्ञाकारी हो गए। संत मत बन जाए, सहज अवस्था बन जाए। इस करके महाराज जी सोझी दिंदे ने गुरु प्यारे कि संत सज्जन मिल बैठिए होवे बुद्ध सुधार हंसा बुद्धि सर्व सुख जीए नाल सास। गुरु प्यारे हंस की जड़ी मत है क्योंकि उसकी सोच ऐसी उच्च बुलंदियों को शोक प्राप्त करने वाली हंस की मत है। वो कहता मेरी सोच ऐसी है कि मैं दुध विचों भी पानी छड़ दूं। ऐसी सोच है, साड़ी सोच ऐसी होनी चाहिए। गुरु प्यारे मन नीवा होवे ते अंदरों मत उची होवे। जिवें पत्थर घाड़ा मूर्ति नूं कढ़दा है पर उह तरसत नहीं करदा, वो देसी मार मार के शैली मार मार के पत्थर नूं तरसदा है। जिवें कुम्हार घड़ा बनाउंदा है थले आसरा रखदा है उत्तों ठप्पा उन्नी जोर नाल मारदा है कि इहदे विच चिप ना रह जाए। गुरु सेवक नूं इवें तरसदा है। गुरु प्यारे शिव महाराज जी ने अपने भगतों को आत्म ज्ञान दिता पर असी कुछ होर समझ बैठे कि भोलेनाथ जी भंग पीते ने। ये तो गुरु प्यारे ने शापकां बनाई हुई ने, आप उन्होंने रीस कैसे कर लवेंगे। अज आप संत महापुरशा की रीस करिए भरत जी की कहते हैं वड्डियां का माण करते कि जी कां कवे मैं हंस की चाल चलना कदे हो नहीं सकता, मक्खी कवे मैं घे खा के बचावना कदे हो नहीं सकता, कदा कवे मैं घोड़े की चाल चलना कदे हो नहीं सकता। गुरु प्यारे संत मत नाल जुड़ना। गुरु प्यारे जिवें पत्थर घाड़ा मूर्ति नूं तराशदा है संत महापुरश अपने शिष्य नूं किवें तराशदे ने। गुरु प्यारे अगली पंक्ति नाल जुड़दे हैं जी। ब्रह्म ज्ञान दा श्री योग
वशिष्ठ महाराज सागर ब्रह्म ज्ञान दा श्री योग वशिष्ठ महान गुरु सेवा से पालिया गुरु ज्ञान नाथ ब्रह्म ज्ञान गुरु सेवा से सपना